किया जा रहा है, क्या कांग्रेस में जरूरत अब उनकी? अभी अभी भी हमने कोशिश की थी और मेरी समझ से कल प्रातः फिर कोशिश की जाएगी कि उनसे बातचीत हो सके। कल के बाद भी सवाल यही होगा कि चेहरा कौन होगा अगले चुनाव में, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, देखिए चेहरा कौन होगा ये ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये काम हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो यहां के हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो सरकार का फॉर्मूला कल क्या होगा, डिप्टी सीएम होंगे, कितने होंगे, कौन होंगे? हमारी जो जनभावना है, हमारे एमएलए की भावना है, वो यह है कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों और हम दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी नाम तय हो गए सर डिप्टी कुछ नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन ये प्रेरोगेटिव जो है मुख्यमंत्री का होता है, जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो वो पार्टी हाईकमान से परामर्श करके इसको तय करेंगे। बीजेपी कैप्टन साहब को लेकर काफी सॉफ्ट है और कैप्टन साहब के बचाव में काफी बयान दिए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सीएम जो बनने जा रहे हैं इनके आरोपों पर कुछ बातें बीजेपी कह रही है। भाजपा को पहले कैप्टन साहब से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि पिछले दिनों में जो आरोप उन्होंने कैप्टन साहब पर लगाए हैं उसके लिए वो कहें कि हम सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग रहे हैं, तो उसके बाद सॉफ्ट हों या हार्ड हों ये फिर देखा जाएगा। तो एक सवाल अब उत्तराखंड का है, आज केजरीवाल साहब ने ताबड़तोड़ कई घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के जनता के साथ और आपको चुनाव वहां लड़ना है। देखिए न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो केजरीवाल साहब ने जो कुछ दिल्ली में नहीं किया है उनकी घोषणाएं वो उत्तराखंड में कर रहे हैं। वो उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड को, उत्तराखंड के बजट को, उसकी जटिलताओं को समझे बिना करना चाहते हैं। सर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक क्या ये तय नहीं हुआ है कि चेहरा कौन होगा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में? मैंने आपसे कहा ना कि ये सवाल जो है कांग्रेस नेतृत्व को तय करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।